हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सेशन में मैं आपको इंसर्शन ऑपरेशन एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि हम बी ट्री पे परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहले इंसर्शन ऑपरेशन को जाने से पहले आपको बी ट्री क्या है वो पता होना चाहिए। उसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, जिसका शॉर्टकट लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। अगेन, इंसर्शन ऑपरेशन को जाने से पहले हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि बी ट्री की प्रॉपर्टी क्या क्या है, जो कि हमें हर बार याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। और अगर वो प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है तो हमें वो बी ट्री की प्रॉपर्टी फॉलो करके उसे हमें बी ट्री बनाना है। तो मैं ये प्रॉपर्टीज आपको इस एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक एग्जांपल है बी ट्री का, जिसका ऑर्डर है 4। अगर ये 4 ऑर्डर बी ट्री है, अगर आपको ऑर्डर भी पता नहीं है, ऑर्डर क्या होता है बी ट्री में, तो वो भी मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसे देख सकते हो। तो चलो हम प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है कि सभी लीफ नोड जो होते हैं वो सेम लेवल पे होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सभी लीफ नोड सेम लेवल पे है। दूसरा प्रॉपर्टी है हमारा नॉन लीफ नोड के बारे में, अगर वो रूट नोड नहीं है। तो ये अगर नॉन लीफ नोड है तो मिनिमम एट लीस्ट कितने कीज उसमें होने चाहिए, तो m अगर उसका ऑर्डर है तो m डिवाइडेड बाय 2-1 नंबर ऑफ कीज मिनिमम एटलीस्ट उतने की होने चाहिए, और उतने अगर कीज है तो m डिवाइडेड बाय 2 नंबर ऑफ चिल्ड्रन मिनिमम उसके होने चाहिए। तो मान लो कि ये वाला ट्री अगर मेरा ऑर्डर 4 है तो m इक्वल टू 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, 2-1 इज 1, तो मिनिमम 1 की यहाँ पे होना चाहिए। और अगर की 1 है तो m बाय 2 मतलब 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, उतने नंबर ऑफ चिल्ड्रन उसके होने चाहिए। ये कंडीशन है नॉन लीफ नोड के एटलीस्ट नंबर ऑफ कीज एंड एटलीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन के लिए। अगला वाला प्रॉपर्टी हमारा क्या बोलता है, अगला वाला प्रॉपर्टी सेम वही लीफ नोड के लिए है अगर वो रूट नोड नहीं है, पर वो बोलता है कि मैक्सिमम कितने कीज होने चाहिए और मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन होने चाहिए। तो m ऑर्डर के लिए m-1 मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज उस नोड में हम स्टोर कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर m-1 नंबर ऑफ कीज है तो m नंबर ऑफ चिल्ड्रन उसके होने चाहिए, क्योंकि उस ट्री का ऑर्डर m है, तो मैक्सिमम m नंबर ऑफ चिल्ड्रन वहां पे हो सकते हैं। अगला वाला प्रॉपर्टी जो है वो रूट नोड के बारे में है। रूट नोड अगर वो लीफ नोड नहीं है तो उसमें मिनिमम 1 की तो भी होनी चाहिए, और अगर 1 की है तो एटलीस्ट उसके 2 चिल्ड्रन तो भी होने चाहिए। तो रूट कौन से भी ऑर्डर का हो, ट्री कौन से भी ऑर्डर का हो, पर रूट में मिनिमम 1 वैल्यू होनी चाहिए, और उसके अगर 1 वैल्यू है, की वैल्यू है, तो उसके मिनिमम 2 चिल्ड्रन तो भी होने चाहिए। अगला वाला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, अगला वाला प्रॉपर्टी हमें बोल रहा है कि जो कुछ वैल्यूज होती है हर एक नोड में, क्योंकि ये m ऑर्डर्ड ट्री है जिसमें मोर देन 1 वैल्यू होता है, तो वो वैल्यूज जो होते हैं उसे ही हम कीज बोलते हैं। तो ये जो की वैल्यूज होते हैं अगर वो मोर देन 1 है तो हर एक नोड में वही वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला अगर नोड हम लेते हैं फर्स्ट वाला नोड, तो उसमें 1, 3 और 7 असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज है। अगला वाला नोड लेते हैं तो 15, 21, 23 सभी वैल्यूज जो है आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, जो कि है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। और जो लास्ट वाला प्रॉपर्टी है उसके हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताने वाले हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सभी ऑपरेशन के लिए, सर्च हो, इंसर्ट हो, डिलीट हो, कौन सा भी ऑपरेशन हो, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च ट्री के इक्वली होती है, दैट इज बिग ओ लॉग एन। यहाँ पे बेनिफिट इतना है कि अगर ये बी ट्री है तो हम ह्यूज डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, और अगर हमारे पास ह्यूज डेटा है फिर भी हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ लॉग एन है, ये इसकी खासियत है।
तो चलो हम देखते हैं कि इंसर्शन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है. इसके स्टेप्स मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. वो जाने से पहले हम एक बार देखते हैं कि जो न्यू एलिमेंट होता है वो हमेशा लीफ नोड पे ही ऐड होता है. ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि जो लीफ नोड है और हमें साथ में ही सारी प्रॉपर्टी भी याद रखनी है. तो ये जो नया नोड आ गया है वो लीफ नोड पे अटैच हो जाता है. तो अभी हम देखते हैं कि स्टेप्स हमें क्या फॉलो करनी है. सॉरी. तो यहाँ पे अगे अब हम यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मेरा स्टेप वन है कि अगर हमारा ट्री एम्प्टी है, अगर हमारा ट्री एम्प्टी है तो ये तो सबसे इजी बात हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है. हमारा जो फर्स्ट नोड हम इंसर्ट कर लेंगे, फर्स्ट की वैल्यू इंसर्ट कर लेंगे, वो उसको ही हम रूट नोड बना लेंगे. पर अगर हमारा ट्री एम्प्टी नहीं है तो हमें क्या करना है, बीएसटी का लॉजिक अप्लाई करना है. हमें अप्रोप्रिएट लीफ नोड सर्च करना है जिसपे हमें नया की वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो बीएसटी का लॉजिक अप्लाई करके हमें मिल जाएगा. बीएसटी का लॉजिक मतलब क्या, बीएसटी का लॉजिक ये है कि हर एक बार रूट नोड से उसके लेफ्ट सब ट्री की वैल्यूज उससे छोटी होगी एंड राइट सब ट्री की वैल्यूज रूट नोड से बड़ी होगी. यही लॉजिक हमें अप्लाई करना है. अभी हमें नोड तो मिल गया है, लीफ नोड जिसपे हम नया की वैल्यू इंसर्ट करने वाले हैं. तो हमें देखना है कि वो एम्प्टी पोजीशन है उसमें अवेलेबल या नहीं. अगर एम्प्टी पोजीशन है तो असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन करके हमें न्यू वैल्यू उसमें ऐड कर लेना है. अगला वाला स्टेप हमें बोलता है कि हमारा लीफ नोड ऑलरेडी फुल है पर हमें उसी नोड में इंसर्ट करना है. तो हमें क्या करना है, हमें अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है तो हमें स्पेस अवेलेबल करनी होगी स्प्लिट करके. जो लीफ नोड है वो हम स्प्लिट कर लेंगे मिड में, उस नोड के मिड में हम वो नोड स्प्लिट कर लेंगे. जो मिडल वैल्यू होगा वो हम उसके पैरेंट के यहाँ पे सेंड कर लेंगे. ओके, पैरेंट नोड पे वो वैल्यू हम सेंड करके हमारा लीफ नोड यहाँ पे स्प्लिट कर लेंगे. पैरेंट के यहाँ पे भी अगर जगह नहीं है तो पैरेंट नोड को भी स्प्लिट करके उसको ऊपर भेज देंगे और वहां पे स्पेस अवेलेबल करके हम ये मिडल वैल्यू को उसके पैरेंट में भेज देंगे. और स्प्लिट करते टाइम अगर हमारा रूट नोड ही स्प्लिट करने का टाइम अगर आता है तो हम रूट नोड को भी स्प्लिट कर सकते हैं. जो कि हम अपर लेवल पे वैल्यू मिडल वैल्यू भेज रहे हैं वही आपका न्यू रूट नोड बन जाता है, और उसके साथ साथ आपके ट्री का हाइट एक से इंक्रीज हो जाता है. तो चलो अब देखते हैं हम एक एग्जांपल के साथ की इंसर्ट कैसे करते हैं. यहाँ पे मैंने 1 to 10 वैल्यूज लिए हैं और मैं कंसिडर कर रही हूँ मेरा बी ट्री ऑर्डर 3 है. तो पहला वैल्यू इंसर्ट हो गया, एम्प्टी था तो पहला वैल्यू इंसर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, इजीली वो इंसर्ट हो गया. अगर मुझे सेकेंड वैल्यू इंसर्ट करना है दैट इज 2 के लिए 1 के पास स्पेस अवेलेबल था इसलिए वो भी इजीली इंसर्ट हो गया. अभी देखते हैं कि नेक्स्ट वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है जो कि है 3 के लिए अभी स्पेस अवेलेबल नहीं है. ऑर्डर 3 है मतलब कि नंबर ऑफ की वैल्यूज हर एक नोड में मैक्सिमम नंबर ऑफ की वैल्यूज जो होंगे वो 2 हो जाएंगे, m-1. सो मैक्सिमम यहाँ पे फुल हो गया है तो 3 के लिए जगह नहीं है, हमें 3 के लिए जगह बनानी पड़ेगी. तो हम इस नोड को स्प्लिट कर लेंगे, मिड वैल्यू हो गई 2, उसको हम अपर लेवल पे शिफ्ट कर लेंगे. तो ये हो गया नया नोड, उसके लेफ्ट में आ गया 1, राइट में आ गया 3, क्योंकि 3 हमारा 2 से बड़ा है. यहाँ पे हम 3 इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो कि नोड 2 से बड़े है वो सभी उसके राइट सब ट्री में आ जाएंगे. अभी इंसर्ट करते हैं 4. तो 4 के लिए तो यहाँ पे 3 के पास पे जगह है तो वो हो गया. अभी इंसर्ट करते हैं 5. 5 के लिए जगह नहीं है तो हमें वो स्प्लिट करना पड़ेगा, 4 को ऊपर भेजना पड़ेगा. ऊपर भेज के उसको वहां पे स्पेस अवेलेबल है तो पेरेंट को स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है. 4 को यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर लिया और 5 को उसका नेक्स्ट वाला नोड नया नोड करके मैंने लीफ नोड ऐड कर लिया. अभी अगर हमें 6 इंसर्ट करना है तो 6 के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, वो इजीली इंसर्ट हो जाता है. अभी देखते हैं 7 के लिए क्या करना है.
अगर मुझे 7 इंसर्ट करना है तो 7 के लिए जगह नहीं है, 6 को हमें ऊपर भेजना पड़ेगा ये नोड स्प्लिट करके, पर पेरेंट नोड में भी जगह नहीं है, तो अभी ये जो रूट नोड है, पेरेंट नोड ही खुद रूट नोड है, तो उसे भी स्प्लिट करना पड़ेगा, जो कि हमने इंसर्शन के एल्गोरिदम में देखा था। तो 4 हमारा जो यहाँ पे आप देख सकते हो वही वो नया रूट नोड हो गया, ये दोनों नोड स्प्लिट हो गए 2 और 6, और 6 के लेफ्ट सब ट्री में उससे छोटे नंबर है 5, और राइट सब ट्री में उससे बड़ा नंबर 7। अगर हमें 8 इंसर्ट करना है वो इजीली हो गया, अभी हमें 9 इंसर्ट करना है। 9 इंसर्ट करने के लिए मैंने 8 को ऊपर भेज दिया, यहाँ पे स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि स्पेस अवेलेबल था, और 9 मैंने नया नोड अटैच कर लिया जो कि हमारा राइट सब ट्री में अटैच हो जाता है 8 के राइट सब ट्री में। और अगर हमें 10 इंसर्ट करना है तो उसके लिए भी स्पेस अवेलेबल है, तो 10 भी हमारा इजीली इंसर्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इंसर्शन ऑपरेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, कमेंट देते रहिए। अगर आपको मेरे वीडियोस के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए, ये बेल रिंगिंग रखिए क्योंकि रिंगिंग बेल आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन देता रहेगा। यहाँ पे मैं आपको सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, उसके साथ साथ इस वीडियो सीरीज का अगला वाला वीडियो भी मैं यहाँ पे आपको उसका शॉर्टकट लिंक दे रही हूँ, और यहाँ पे इस वीडियो सीरीज की प्लेलिस्ट भी आपके लिए शॉर्टकट लिंक में अवेलेबल करके दे रही हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब माई चैनल टेक टॉक्स। Thank you.